देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की खास खबर। भिवंडी में जून के महीने के दूसरे ही दिन से साल की पहली बारिश ने स्वागत किया। ये तस्वीर भिवंडी के जैतूनपुरा इलाके की है, जिसमें आप देख सकते हो कि किस तरह से तेज बारिश शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि हर साल की तरह बारिश के पहले मनपा द्वारा नाले सफाई का काम हो जाता है, मगर भिवंडी में अभी ना तो नालों की सफाई हुई है और ना ही गटर की सफाई पूरी हो पाई है, और ऐसे में बारिश ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। गैर तलब हो के जून के महीने के दूसरे हफ्ते से मानसून दस्तक देता है, लेकिन कुछ मौसम विशेषज्ञों के पूर्वानुमान के मुताबिक महाराष्ट्र और राजधानी मुंबई में 2-5 जून तक भारी बारिश की संभावना है। एक तरफ जहां मानसून लोगों को गर्मी से राहत दिलाएगा, वहीं दूसरी तरफ बारिश के मौसम में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि महाराष्ट्र के महानगरीय क्षेत्रों में मंगलवार शाम से बारिश शुरू हो गई। रात में बारिश ने रफ्तार पकड़ ली। मौसम विभाग द्वारा मंगलवार रात 10:30 बजे जानकारी दी गई कि मुंबई और आसपास के इलाकों में शाम को बारिश शुरू हो गई और अब उसने रफ्तार पकड़ ली है। इसके कारण अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर कोकण, मुंबई, पालघर, थाने, रायगढ़ जिले और उत्तर मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश के अनुमान है। चक्रवाता निसर्ग के मद्देनजर मुंबई में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, ताकि लोगों के जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को कोई खतरा न हो। मुंबई के पुलिस आयुक्त कार्यालय ने इसकी जानकारी दी। ब्रॉन मुंबई नगर पालिका बीएमसी ने कहा कि भारी बारिश के दौरान अपने घर के अंदर रहें, लेकिन अगर किसी अपरिहार्य कारणों की वजह से आपको अपनी कार चलाने की आवश्यकता पड़ती है, तो कृपया आप हथौड़ा या ऐसी वस्तुओं को साथ रखें जो आपकी कार के दरवाजे के जाम होने की स्थिति में कांच को तोड़ने में आपकी मदद कर सके। गैर तलब हो कि चक्रवाता का आज दोपहर के बाद अलीबाग के पास लैंडफॉल होगा। उसके मद्देनजर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। एनडीआरएफ की टीमों ने आज सुबह कोलीवाड़ा से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। आप देख रहे थे भिवंडी एक्सप्रेस की इस विशेष रिपोर्ट को।